स्वयं सन्निहित है आपकी या बीज भाव की दृढ़ता के कारण, पर वो नहीं है भगवान की सन्निधि आपको, तो फिर आपको ग्रह त्याग की धांधल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी भगवान की सन्निधि के लिए ग्रह की आवश्यकता माने हैं। भगवान की सन्निधि के लिए मंदिर की आवश्यकता मानते होते तो महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी नहीं लिखते। भगवान की सन्निधि आपको घर में मिले या लिए ग्रह की आवश्यकता माने, ग्रह की आवश्यकता के लिए भगवान की सन्निधि नहीं माने कि घर अपने को रहना बड़ा आवश्यक है, तो अब मंदिर के पास फ्लैट खरीद लो, सुबह जाके दर्शन कर आए, फिर ऑफिस चले गए, शाम को आके फिर शयन के दर्शन कर लिए। क्यों? क्योंकि घर की आवश्यकता के लिए। आजकल ये बिल्डर्स लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग बनावे और वहां में एक मंदिर को भी अनाउंस कर दें कि बाजू में मंदिर बनेगो, कि जैसे आपको घर में भगवान को घुसाने के भांजगढ़ में फंसना नहीं पड़े। तो वो जो प्लानिंग हुआ है नगरन की, वहां में ये प्रोविजन रख दिया जाए कि वहां में आपके जैसे फ्लैट होंगे या डुप्लेक्स होंगे या बंगलोज होंगे, उनमें कोई एक मंदिर भी होएगो, कि जैसे घर में भगवान न घुस जाए आपके लिए। भगवान के साथ इतना डर को व्यवहार अपनो हो गया कि घर में भगवान घुस गए तो बहुत मुश्किल, जैसे उदय घुस जाए घर में तो ट्रीटमेंट करवानी पड़े, ऐसे घर में भगवान घुस जाए तो अपने को कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़े, हवेली के स्पेशलिस्ट को बुला के छांट दो कि यहाँ घर में से भगवान निकल जाए, वो फिर दवाई छांट दें कि ये पुरुषोत्तम नहीं है, ये तो गुरु है और ये तो गुरु भाव से सेवा करनी चाहिए, ऐसी ऐसी दवाई छांट दें तो फिर उदय निकल जाए सब घर में से उसने। तो ये एक्सपर्ट फिर बुलाने पड़े, फिर साधारण उपाय से वो फिर निवृत्त नहीं हुए घर में घुसे भगवान, कुआ का जल नहीं है तो वैक निकल जाओ, निकाल दो भगवान को, ऐसी सब अपने को स्पेशल ट्रीटमेंट करवानी पड़े घर की, घर में भगवान घुस जाए तो। महाप्रभु जी की स्पष्ट धारणा यह है कि भगवत सन्निधि के लिए ग्रह आवश्यक है, ग्रह की आवश्यकता के लिए भगवत सन्निधि की जरूरत नहीं है, जो आज सिस्टम खड़ी अपन ने करी। तो बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु, बीज तुम्हारा भाव दृढ़ कैसे होएगो, ग्रहे स्थित्वा, ग्रहे स्थित्वा घर में रहो, और घर में रह के, क्योंकि जी तुम घर में रहे हो, मंदिर में तुम जा रहे हो तो वहां जीने के लिए नहीं जा रहे हो, चक्कर मारने जा रहे हो, लपन छपन करने जा रहे हो, मठड़ी प्रसाद लेने जा रहे हो, जीने नहीं जा रहे हो। जहां तुम जी रहे हो वहां भगवान को पधराओ, जहां तुम जी नहीं रहे हो वहां तुम भगवान के यहां चक्कर मारने जा रहे हो, जीने तो नहीं जा रहे हो ना, तो जहां तुम जी नहीं रहे हो वहां भगवान की आवश्यकता नहीं है। यही लिए जो भगवान को जी रहे है वह को ग्रह त्याग की बता दी है। यदि तुम्हारा मन इतनो भगवान में तल्लीन हो गए हो कि तुम जहां भी जाओ वहां तुमको भगवान उपलब्ध है तो घर छोड़ दो, फिर घर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर यदि तुम्हारा मन भगवान में इतनो तल्लीन नहीं है, वह स्थिति में तुमको भगवान के साथ जीनो पड़ेगो, और जीवे आदमी कहां, घर में के मंदिर में? मंदिर में अक्सर चूहा है जीवे, बिल्ली है जीए, कोई भक्त तो नहीं जी सके ना, तो मठड़ी मोहनथाल खाने के लिए चूहा है खूब जीवे, वो ऐसे चर्च को चूहा बहुत दुबला माने जा, मंदिर को चूहा एक फ्रेज ही अलग है कि मंदिर को चूहा है कोई, चर्च को चूहा थोड़ी है। तो ऐसे बात समझ के मंदिर में तो वो भक्त की जरूरत नहीं है, चूहान की जरूरत है। तो आपको यदि भक्त हो तो घर में जीनो है, घर में जीनो है तो बिना भगवान के आप जियोगे नहीं तो आपको भक्ति को भाव दृढ़ होएगो, क्योंकि आपने भगवान को पार्ट टाइम कोई जॉब समझे हो कि भाई फुर्सत में ऑफिस से आते जाते दर्शन कर ही आए, तो आप जी तो भगवान के साथ रहे नहीं हो, जी भगवान के लिए नहीं रहे हो, जी तो रहे हो आप अपने संसार के लिए, जी रहे हो अपने घर के संसारिक संबंध हैं उनके साथ। तो जब भगवान के साथ जी नहीं रहे हो, भगवान के लिए जी नहीं रहे हो, वह स्थिति में आपको भक्ति को बीज भाव दृढ़ कैसे होएगो? भक्ति कोई कर्म कांड तो है नहीं, भक्ति तो एक आखी जीवन प्रणाली है, जो अपन चतुष्लोकी में देख गए कि धर्म भी भक्ति है, अर्थ भी भक्ति है, काम भी भक्ति है, और मोक्ष भी भक्ति है। तो जाको कवरेज इतनो बड़ो है, जाको स्कोप इतनो बड़ो है, वाको आप स्पेयर टाइम में करोगे तो होएगो कैसे बीज भाव दृढ़? तो वो प्रोग्राम के तहत इम्पॉसिबल है, ये बात समझो। थोड़ी सी अक्कल वापरोगे, महाप्रभु जी में श्रद्धा रख के, विश्वास की नहीं बात कर रहे हूं, निष्ठा की बात नहीं कर रहे हूं, महाप्रभु जी में श्रद्धा रख के थोड़ी सी अक्कल वापरोगे ना तो ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान के साथ जीनो है,
भगवान के लिए जीनो है तो भक्ति को बीज भाव दृढ़ होएगो। भक्ति को बीज भाव दृढ़ हो गयो तो फिर घर की जरूरत नहीं है, घर के बाहर भी जी सको, घर में भी जी सको। पर यदि भक्ति को बीज भाव दृढ़ नहीं है, संसारा शक्ति को बीज भाव अपनो दृढ़ क्यों भयो? ध्यान से समझो या बात को। अपनी अपनो छोरा, अपनी पत्नी, अपनो पति, अपने माँ बाप, अपनो घर, अपनो खाने की पद्धति, अपनो बाथरूम, अपनो बेडरूम अपने को क्यों पसंद आवे? उतनी कंफर्ट अपने को दूसरे जगह क्यों नहीं मिले है? सीधो सो कारण है कि अपन ने वाकु जियो है, वाके साथ जियो है, वाके लिए अपनो जीवन जियो है करके वा विषया शक्ति को बीज भाव दृढ़ हो जाए है। मैं अक्सर ये बात कहता रहूं कि 2 बरस खाली पढ़ने के लिए मैं बनारस गयो, वह धर्मशाला के जा रूम में रहो ना, अभी भी बनारस जाऊं तो मुकु यो लगे कहां ये रूम अपना। 2 बरस सिर्फ जा रूम में जियो, वामे बीज भाव दृढ़ हो गयो तो अपन एक वक्त अपने घर में ठाकुर जी के साथ 2 बरस तो जी के देखो यार, बाकी गई बात सब भाड़ में। 2 बरस ठाकुर जी के साथ जी के देखो, ठाकुर जी के साथ बीज भाव कितना दृढ़ होएगो। 2 बरस तो सेवा को जी के देखो, सेवा के प्रणाली से जीवन को जीने को भाव बीज भाव कितनो दृढ़ हो जाएगो। 2 वक्त अपने सारे परिवार को सेवा में नवा के, सेवा में प्रवृत्त करके देखो, वह परिवार के प्रति जो अपनो आसक्ति को भाव है वो कितनो भक्तिमय हो जाएगो। ये बात अपने को तब समझ में आ सके। एक 2 बरस जो कुछ आप खा रहे हो ठाकुर जी को भोग लगा के तो खा के देखो, आपके मन में बच्चान के मन में समझ में आ जाए बात कि ठाकुर जी को भोग नहीं धरियो, अभी नहीं खानो। जिनके घर में सेवा विराज है उनके छोटे बच्चान को ये बात समझ आ जाए कि ठाकुर जी को भोग नहीं धरियो तो अभी नहीं खानो, तो इतनो बीज भाव दृढ़ हो जाए। अपने क्यों बीज भाव दृढ़ नहीं होवे कि ठाकुर जी नीचे और गए, अपनी तपेली अलग सिद्ध होवे? जो तपेली सिद्ध हो ठाकुर जी अरोगे नहीं हो, जो ठाकुर जी अरोगे वो अपने नौकरन के पगार पेटे जावे। ये बीज भाव में क्या क्रैक आ गई है? ये बात ध्यान से समझो तो समझ में आएगो कि अपन ने ठाकुर जी के साथ जीवन जीने को जो अभिगम है, जीवन जीने को जो एक आग्रह है, जीवन जीने को जो एक भाव है वो ही खो दियो है। अपन ठाकुर जी के साथ जीवन नहीं जीना चाहे है, ठाकुर जी पे अपन जीना चाहे। तो ठाकुर जी पे जब जीना चाहे है तब बात बदल गई। ठाकुर जी के साथ जब जीवन जीना चाहे हैं, ठाकुर जी के लिए जब जीवन जीना चाहे हैं तो भक्ति को भाव दृढ़ होएगो। जब ठाकुर जी पे जीना चाहेंगे फिर भक्ति को भाव दृढ़ नहीं होएगो, फिर तो कुछ और ही भाव दृढ़ हो रहे हैं जो अपने दृढ़ हो गए। तो यह बात को ध्यान से समझो कि बीज दार्ढ्य प्रकार अस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः। यहां महाप्रभु जी फिर वो धर्म ला रहे हैं कि तुम घर में रह रहे हो तो घर की जो शास्त्रीय मर्यादा है, जो लोक मर्यादाएं हैं उनको लांघ के तुम नहीं जियोगे। जो भी कुछ लोक मर्यादा शास्त्र मर्यादा है उनको निभाते भय, उनको अपने भक्ति को पार्ट बनाते भय कि ये धर्म हम जैसे अपने आप ब्याह को संकल्प यो करें कि गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम इदम करिष्ये, गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम श्राद्ध करें तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ, छोरी को ब्याह में तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ, ग्रहण को दान दें तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ, कुष्मांड दान दें तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ, जिए तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ, मरे तो गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ। या तरीके को एक जीवन जी के देखें गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ तो भक्ति को भाव दृढ़ हो सके। वह बात के लिए स्वधर्मतः अव्यावृत्त, स्वधर्मतः जो अव्यावृत्त व्यक्ति है वो पूजया श्रवणादि भी कृष्णम भजेत। अब यहां में देखो ध्यान से एक बात को समझो कि दृढ़ बीज भाव को अपन ने क कहो और दृढ़ बीज अदृढ़ बीज भाव वाले जो अव्यावृत्त हैं उनको अपन ने ख एक कहो और जो व्यावृत्त हैं उनको ख दो कहो, क्योंकि दृढ़ बीज भाव क है और अदृढ़ बीज भाव ख है, और वह अदृढ़ बीज भाव में जो अव्यावृत्त है वो ख एक है और व्यावृत्त जो है वो ख दो है। अब वाके हिसाब से अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, ये ख एक है और व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा। कोई कारण सो आप इतने व्यस्त हो कि आप सेवा को जीवन प्रणाली नहीं निभा सक रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो तुम्हारा बीज भाव दृढ़ हो जाएगा। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, व्यावृत्तोपि
हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा। वह स्थिति में ये अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, पूजा श्रवणादि नवक और व्यावृत्त में श्रवणादि त्रय और दास्यादि त्रय भावना। माने बाहर आप सिर्फ इतनो तो कर सको ना कि प्रभु को कुछ श्रवण करो, जो सुनियो है वह को कुछ कीर्तन करो, और जो कीर्तन करे हो वह को कुछ चिंतन करो, और मन में जो भी कोई भावना आपके स्फुरित होती हो दास्य होने की, सखा होने की या आत्मनिवेदन की, उन भावनाओं को मन में दोहराते रहो, धीरे धीरे भक्ति को बीज भाव दृढ़ होने की स्थिति पे जाने लगेगो। पर ये सारे काम घर में रह के करने हैं, गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, मंदिरन में जाके नहीं। ये एक पैटर्न बतायो। वाके बाद जो अदृढ़ बीज भाव है वा में व्यावृत्त है, जो व्यावृत्त जीव है वाकु प्रेमा शक्ति व्यसन सोपान क्रमेण बीज भाव दृढ़तायाम राग विनाशादिना कृतार्थता च। अदृढ़ जीव है जो सेवा नहीं कर पा रहे हो है, कोई कारण सु तो नहीं कर पा रहे हो है, वाकु धीरे धीरे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रेम आसक्ति और व्यसन के जो सोपान है, इन क्रमशु बीज भाव के दृढ़ होने पे वाकु सांसारिक विषय को राग खत्म होएगो और वो जीव कृतार्थ हो सके है। या तरह से मंदिरन में सेवा करके ही बीज भाव दृढ़ होवे, ये महाप्रभु जी को कल्पना नहीं आती हो। देखो यहाँ कम से कम भक्ति वर्धनी को जो प्रोग्राम महाप्रभु जी अपने को दे रहे हैं, वहां में महाप्रभु जी ऐसी कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं या बहुत ऐसा भी कुछ हो सके। तथा प्रेम तथा शक्तिर व्यसन चेदा भवे, मैंने श्रवणादि में तुमने अपना चित्त लगायो, वो श्रवण की